नमस्कार, Fulfill.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की सब्जी बनाना बताऊंगी। बेसन की सब्जी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से फेमस है। गुजरात में इसे ढोकली की सब्जी कहते हैं, राजस्थान में गट्टे की सब्जी और उत्तर भारत में इसे रसाजे की सब्जी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। रसाजे बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 1 कप बेसन, 1 मीडियम साइज का प्याज और 2-3 लहसुन। इसे पीस के हम पेस्ट बना लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया, इसे बारीक काट लिया है। और रसाजे तलने के लिए हमें तेल चाहिए जो हम बाद में कढ़ाई में डालेंगे। सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। हमने 1 कप बेसन लिया था और इसमें हम 1.5 कप पानी डाल के घोल बनाएंगे। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे जिससे इसकी सारी गुलथियां खत्म हो जाए। बेसन के घोल में हम हींग मिला देंगे। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी मिला देंगे, नमक मिला देंगे, 1/2 लाल मिर्च भी इसमें हम मिला देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तैयार हो गया है, अब इसे हम पकाएंगे। के नीचे हम गैस ऑन कर देते हैं। इसमें हम 1 छोटा चम्मच करीब तेल डाल देंगे। तेल को फैला लेंगे ऐसे सब तरफ। अगर आप इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, कम तेल में बन जाता है, नहीं तो बेसन बहुत चिपकता है कढ़ाई में। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये घोल डाल देंगे बेसन का। लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि बेसन बहुत जल्दी चिपकने लगता है। गैस हम बिल्कुल धीमी कर देंगे। गाढ़ा होने लगा है, इसे भी हमें थोड़ा और पकाना है। ये जब जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब तक इसे हम पकाएंगे। ये बेसन का मिश्रण पक के तैयार हो गया है कि ये इतना गाढ़ा हो गया है। इसे अब हम जमाएंगे। इसके लिए हम एक फ्लैट थाली ले लेते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर देते हैं। अब इस थाली के ऊपर हम ये सारा मिश्रण डाल फैला देंगे। हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के इसे हम फैला देंगे। करीब 1/2 इंच मोटा इसको रखना है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये अच्छे से जम जाएगा और कटेगा। कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत मिश्रण बच गया है इसे हम सारा पानी डाल के निकाल लेंगे। तो इसमें पानी डाल के इसको भिगा देते हैं सारा। ये जो हमने बेसन का मिश्रण जमाया था ये ठंडा हो गया है। इसको उठा के देखेंगे तो देखिए टूटता नहीं है, इसका मतलब ये तैयार है। इसे हम काट के पीसेस कर लेते हैं। ये सारे पीस हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं। इसे हम तलेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये डाल के पीसेस डाल के तल लेते हैं। पीसेस डाल के हमें तेज आंच पे ही तलना है क्योंकि बेसन पहले से पका हुआ है, इसलिए इसको बहुत धीमी आंच पे पकाने की जरूरत नहीं होती है। ये पीसेस जैसे ही थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे इसे हम निकाल लेंगे। ये सारे पीस तल के तैयार हो गए हैं। हमने कढ़ाई से सारा तेल निकाल दिया है, इसमें सिर्फ 2 चम्मच तेल छोड़ करके हमने सारा तेल निकाल दिया है। अब इसमें हम ये प्याज वाला पेस्ट डालेंगे। प्याज के पेस्ट को हम थोड़ा
सुनहरा होने तक भून लेते हैं। प्याज भुन गया है, अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, धनिया पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा करीब एक चम्मच पानी डाल देते हैं, इससे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो इसमें जो हमने कढ़ाई में बचे हुए मिश्रण से घोल के पानी बनाया था, जो बेसन का घोल बचा था उसका मिश्रण है, ये इसमें हम डाल देंगे। इससे घोल ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाती है। तब इसे हम खौलने देते हैं। इसमें हम नमक मिला देते हैं। जब ग्रेवी उबलने लगेगी तो इसमें हम गरम मसाला भी मिला देंगे। हमें करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है। ग्रेवी बॉईल होके तैयार हो गई है। इसमें हम ये बेसन के जो पीसेस बनाए थे वो डाल देते हैं। ये हम डालने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे करीब 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें ये सब कुछ भीग जाए अच्छे से। ये रसाजे भीग के तैयार हो गए हैं। इसमें हमारी धनिया भी डाल देते हैं। ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। साजे की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ किसी के साथ भी परोसिए। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को बहुत पसंद आएगी ये। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसके बारे में कमेंट्स लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।